अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी यूनिट 6, दैट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी। यूनिट 6 में अगर देखें जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी है, एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो ड्रग्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा इस यूनिट के साथ एक दूसरा यूनिट जुड़ा है, यूनिट 6B, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, और साथ में एक और यूनिट जो कि है NTTB ड्रग्स। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंट स्लाइड्स हैं जो कि ताल्लुक़ रखती हैं रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी से। दैट मींस कि हमारा ये जो लेक्चर है ये तीन पार्ट्स पे डिवाइड होगा। पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी है, पार्ट टू में NTTB ड्रग्स, और पार्ट थ्री में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो स्टार्ट लेते हैं ड्रग्स अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि पार्ट वन होगा। इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं कि हम एंटीहिस्टामिन को पढ़ें, डीकंजेस्टेंट पढ़ें, एंटी टसिव ड्रग्स पढ़ लें और एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ लें। इसके अलावा ड्रग ग्रुप्स दैट आर यूज्ड फॉर COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके अलावा एज्मा। इसके साथ साथ थेरापूटिक इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक लेवल्स और नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या क्या होंगी, और कौन कौन सी ड्रग्स की क्या क्या डोजेज है और आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो आपने मुख्तलिफ नाम देखे जैसे एंटीहिस्टामिन, डीकंजेस्टेंट, एंटीटसिव्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स, ये मुख्तलिफ ड्रग्स के क्लासेस हैं जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अगर आप बेसिकली इस पिक्चर को देखें, जो कि बेसिकली आपकी स्लाइड्स का हिस्सा नहीं है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पिक्चर डाली है, इस पिक्चर को समझिए और आपको ये पूरी स्लाइड जिसमें जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये आप इस साइड से शुरू करें कि कॉमन डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस स्लाइड में जो बिल्कुल कॉमन डिजीज़ के बारे में जिक्र बार बार आएगा, जैसे कफ है यानी खांसी, कंजेस्चन, एज्मा और COPD, ये चार डिजीज़ हैं और आपके इस स्लाइड में ये कॉमन डिजीज़ बार बार इन्हीं का नाम आएगा। सबसे पहले तो आप कफ देखें, कफ जो सिंपल खांसी होती है। अब अगर कफ देखें तो कफ के दो टाइप्स हैं, एक होती है ड्राई कफ, एक होती है प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ वो है जिसमें स्प्यूटम नहीं आता, यानी बलगम नहीं आता। प्रोडक्टिव कफ वो कफ है जहाँ पे स्प्यूटम आता है यानी बलगम होता है। तो दोनों कफ में फ़र्क है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों कफ में फ़र्क है तो उनकी ड्रग्स में भी डिफरेंस होगा। फिलहाल आप ये देखिए, वो ड्रग्स जो कफ को ट्रीट करती हैं उन ड्रग्स को हम नाम देते हैं एंटीटसिव ड्रग्स। ये जो नंबर वन ड्रग्स हैं आपके पास एंटीटसिव ड्रग्स, ये वो ड्रग्स हैं जो कफ को ख़त्म करती हैं यानी कफ को रिलीव करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास ड्रग्स नंबर वन दैट आर द एंटीटसिव ड्रग्स। तो ये अब क्योंकि कफ दो तरह का है, ड्राई कफ अलग है और प्रोडक्टिव कफ अलग है, सो इनकी ड्रग्स भी अलग अलग होंगी। ड्राई कफ में जो आपके पास ड्रग्स आती हैं, एक होती हैं ओपियोइड्स एक क्लास, और एक होती है नॉन ओपियोइड्स। तो ड्राई कफ में दो तरह की ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स। ओपियोइड में ड्रग आती है जैसे कोडीन, हाइड्रोकोडीन, जबकि नॉन ओपियोइड्स में ड्रग आती है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, और ये आपके पास फार्मेसी वगैरह पे अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट ड्रग्स हैं और ये ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ में स्प्यूटम आता है यानी कि बलगम आता है। तो मेन काम आपका क्या होगा, उस स्प्यूटम को ख़त्म करना यानी उसको बॉडी से ख़त्म करना। वो ड्रग्स होती हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, यानी जो आपके पास सेकंड क्लास है यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट्स, ये वो ड्रग्स हैं जो स्प्यूटम को ख़त्म करती हैं और ये प्रोडक्टिव कफ में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें तो पता चल गई कि एंटीटसिव्स क्या होती हैं और एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होती हैं। तो कफ में तो दो चीज़ें आ गई। उसके बाद है नेजल कंजेस्चन। सादा सी बात है, आपको कभी एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, अक्सर हमारा नोज़ कभी कभी बंद हो जाता है, बिल्कुल हम इवन नोज़ से इनहेल भी नहीं कर पाते, फिर हम ओरल कैविटी से इनहेल कर रहे होते हैं। नेजल कंजेस्चन बेसिकली क्या है, इसको हम स्टफ़ी नोज़ कहते हैं। स्टफ़ी नोज़ यानी नोज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें इस पिक्चर में कि ये जो इसके पास नॉस्ट्रल्स हैं और यहाँ पे आप टिश्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, साथ में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये जो टिश्यू है ये स्वेल कर जाते हैं, ब्लड वेसल्स स्वेल कर जाती हैं यानी कि वेजोडायलेशन हो जाती है, टिश्यू स्वेल कर जाता है, यहाँ पे फ्लूइड आ जाता है। तो आपने बेसिकली क्या करना होगा कि ये जो स्वेलिंग है जिसकी वजह से कंजेस्चन आ गई है, उस कंजेस्चन को बंद करना होगा यानी ख़त्म करना होगा, और कंजेस्चन को ख़त्म करने वाली ड्रग्स कहलाएंगी डी कंजेस्टेंट्स
यानी डी कंजेस्टेंट्स कौन सी ड्रग हैं जो कंजेस्टन को ख़त्म करती हैं। अब डी कंजेस्टेंट भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की होती हैं, ठीक है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आती हैं या इसमें जो है मुख्तलिफ तरह की एड्रिनर्जिक या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स आती हैं। इन तमाम ड्रग्स को हम नाम देते हैं डी कंजेस्टेंट्स, जो कंजेस्टन को ख़त्म करेंगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि एक तो बात हो गई कफ की, यानी आपके इस टॉपिक में कफ का जिक्र आएगा और कंजेस्टन का जिक्र आएगा। फिर आपके पास है एस्मा एंड COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसको मैं समझाता हूँ, अगर आप इस ड्रग पिक्चर को देखें कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक आ रही है। नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक इस तरह की होती है, यानी कि बीच में आप देख सकते हैं कि ये एयर वे है जिसको ल्यूमन कहते हैं, जहाँ से एयर ने पास होना है और वो एयर पास होके लंग्स में जाएगी, फिर आपके ब्लड में जाएगी। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो आ रही है, अब अगर किसी बंदे को एस्थमा या COPD है तो यहाँ पे इस पिक्चर को आप कंपैरिजन में देखिए कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है, यानी ब्रोंकियोल बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर गया है, तो जो एयर वे था एयर वे बिल्कुल बंद हो गया है एक तो वो, दूसरा इसमें से फ्लूइड आ रहा है, यानी कि ब्रोंकियल सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इतनी ज़्यादा ब्रोंकियल सिक्रीशन हो जाती है और ब्रोंकियोल भी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है कि एयर वहाँ से पास नहीं कर पाती, एयर को पास करने में बहुत मुश्किल साबित होती है। फिर आपको SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, यानी आप सांस नहीं ले पाते, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, सांस बंद हो रहा होता है आपका, इसको आप फिर एस्थमा की कंडीशंस कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह की ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या इतना ज़्यादा सिक्रीशन, ब्रोंकियल सिक्रीशन क्यों पैदा हुआ, इसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, एक तो हिस्टामिन और एक है ल्यूकोट्राइन्स। हिस्टामिन तो कभी भी जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हिस्टामिन है, हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रही है, इसके अलावा वेजोडायलेशन हिस्टामिन करवाती है, कैपिलरी परमिएबिलिटी बहुत इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से फ्लूइड सारा बाहर आ जाता है, तो हिस्टामिन तो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स का मेन काम है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्रोंकियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, ये काम है ल्यूकोट्राइन्स का। तो ये दो चीज़ें आके यहाँ पे एक तो सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं और ब्रोंकियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। अब ये आई कहाँ से, ये आते हैं मास्ट सेल से, यहाँ पे लंग्स में करीब करीब मास्ट सेल्स होते हैं, वो मास्ट सेल इन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। वो क्यों रिलीज़ करते हैं, कभी भी जिन बंदों का अक्सर एलर्जिक वगैरह होती है, एलर्जीज जिनको हैं, उनमें मास्ट सेल डीग्रेनुलेट हो जाता है और ये हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ कर देता है। तो आपने अब ट्रीटमेंट में क्या लेना होगा, देखें एक तो सबसे पहली चीज़ मास्ट सेल की वजह से ये रिलीज़ हुए, तो आप वो ड्रग्स लें जो मास्ट सेल की प्रोडक्शन, ये जो डिफरेंट चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बंद कर दे। तो यानी कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, वो ड्रग्स जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दे ताकि मज़ीद हिस्टामिन्स वगैरह को रिलीज़ ना करे, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर एक तो यूज़ होंगे। इसके अलावा हिस्टामिन की वजह से इतनी सारी सिक्रीशंस आई थी तो सिंपल सी बात एंटी हिस्टामिन लेंगे, हिस्टामिन बंद हो जाएगा। फिर ल्यूकोट्राइन्स की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है तो आप क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स लेंगे तो ल्यूकोट्राइन बंद हो जाएंगे। एक और ड्रग्स, ल्यूकोट्राइन जब मास्ट सेल में प्रोड्यूस होते हैं तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन चलता है LOX5 लाइपोऑक्सीजिनेज 5, ये एक इंजाइम होता है, इस इंजाइम को अगर आप बंद कर दें तो मास्ट सेल में ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। इसके अलावा ये जो सिक्रीशंस इतनी ज़्यादा हैं, या स्यूप्यूटम या म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, अब उस म्यूकस को भी तो ख़त्म करना है, उसके लिए ड्रग्स हैं म्यूकोलिटिक्स, लिटिक्स मतलब तोड़ना, तो जो म्यूकस होगा यहाँ पे जितना भी प्रोड्यूस हुआ है म्यूकोलिटिक्स उस म्यूकस को बंद कर देंगे, बहुत थिन कर देते हैं, और जब बहुत थिन कर देंगे तो अपने आप वहाँ से वॉश आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन आई है तो आप डायरेक्टली वो ड्रग्स दे सकते हैं जो ब्रोंकियोल्स को डायरेक्टली डायलेट करे। एक तो आपने ल्यूकोट्राइन बंद करवा दिए तो कंस्ट्रिक्शन बंद हो गई, हिस्टामिन बंद करवा दी कंस्ट्रिक्शन बंद हो गई, लेकिन कुछ डायरेक्ट एक्टिंग भी होते हैं जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर आप देते हैं तो डायरेक्टली ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर दिया जाता है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स भी इस्तेमाल होती हैं। और सबसे आखिर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स,
ये वो ड्रग्स हैं जो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन बंद कर देंगे, हिस्टामिन ल्यूकोट्राइंस को बंद कर देते हैं, और जो आपके पास हैं बेसिकली स्टेरॉइड्स हैं, तो स्टेरॉइड्स ये सारे काम एक साथ करता है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे तो आपका एक कंप्लीट लेक्चर है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अलग लेक्चर है। इसके अलावा ये जो ऊपर की 9 ड्रग्स क्लासेस मैंने आपको गिनवाई हैं, हम इस लेक्चर में इन 9 ड्रग्स को समझेंगे। सो इस पिक्चर में आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह की डिजीजेज हैं और ये 9 ड्रग्स इन 4 में इस्तेमाल होती हैं। सो यहाँ तक आप बात को लाजमी समझिए कि कफ की ड्रग्स अलग हैं, कंजेस्टन की ड्रग्स अलग हैं, एज्मा और COPD की ड्रग्स अलग हैं, तो इनको आपस में मिक्स ना कीजिएगा, ये सारी अलग अलग हैं। अब हम स्टार्ट लेंगे अपनी ड्रग्स पे। तो सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है कि बेसिकली आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का पता हो, तो नेजल कैविटी से ये ट्रैक शुरू होता है, फिर ओरल कैविटी आ जाती है, फिर लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, फिर ट्रेकिया जो आपके पास इसके बाद जो है जो बिल्कुल नेक में होती है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस या ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है दो में, सो यहाँ से ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स, उसके आगे फिर मेटाब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से जो है फिर ऑक्सीजन टुवर्ड्स द ब्लड चली जाती है, और फिर ऑपोजिट भी यही रास्ता फॉलो करता है, और जब आप सांस बाहर लेते हैं तो फिर ये ऑपोजिट एयर वापस चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन है टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके अलावा थोड़ी सी समझने वाली बात यहाँ पे कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये अपने साथ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सेल्स होते हैं, और वो सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से जितना भी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली वो इन सेल्स से प्रोड्यूस होता है। तो अक्सर ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ पे ये म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जैसे अभी आपने देखा है एज्मा और COPD में सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। अब कॉमन डिजीज़ जो हमने बात की कि 4 तरह की डिजीज़ हैं, उसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, यानी एक लंबे अरसे तक किसी की ब्रोंकियोल्स इन्फ्लेम्ड है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये जो लफज आ जाता है TIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन का। तो लंबे अरसे तक किसी को इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इरिटेशन होती है, क्या पता वो ऐसी इंडस्ट्री में कोई बंदा काम करे जहाँ पे एयर बहुत आलूदा है, कंटिन्यूसली इरिटेंट्स उसके माहौल में है, तो क्रॉनिक इरिटेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंक्रीज्ड सिक्रीशंस एंड इन्फेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एम्फिजीमा क्या है, बेसिकली एम्फिजीमा उन लोगों को होता है जो या तो क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर्स हैं, या फिर उनकी आसपास की एयर बहुत ही ज़्यादा आलूदा है। इसमें क्या होता है कि जो एंड पे आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में एल्वियोलाई होता है, ये एल्वियोलाई देखते हैं इस तरह से इनवर्ज जाता है, इनवर्ड्स, तो ये क्या है कि रेस्पिरेटरी एरिया का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। एल्वियोलाई में अगर डैमेज हो जाए बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल कहाँ से आया एयर में, सिगरेट स्मोकिंग से या आलूदा एयर से, जब यहाँ पे पार्टिकल आएंगे ना तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस लाइनिंग को, एपिथेलियल लाइनिंग को डैमेज कर देंगे, और मैं बताऊँ ये इरिवर्सिबल डैमेज है, एक बार ये एल्वियोलाई डैमेज हो गई ये फिर से रिपेयर नहीं होती, तो कभी भी नहीं होती, यानी कि इब्तिदा हयात फिर ये डैमेज ही रहेगा। सो एम्फिजीमा जिन लोगों को हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, सरफेस एरिया कम हो गया है तो प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी ही नहीं। इसके अलावा एक है एज्मा, एस्थमा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा एज्मा जाता है, AZMA एज्मा। तो एज्मा में क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है बेसिकली, यहाँ पे हिस्टामिन्स वगैरह या एलर्जीज की वजह से जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी जो आपकी ब्रोंकाई है वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो सांस प्रॉपर नहीं ले पाते, जिसको आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। अच्छा, ये एज्मा बेसिकली कहते हैं रिएक्टिव एयरवे डिजीज़। एज्मा क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि क्रॉनिकली लंबे अरसे तक कंटिन्यूसली ये डिजीज़ रहे तब आप उसको एज्मा कहते हैं। ब्रोंकाई जो होते हैं कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, अगर पहले ल्यूमन जो था, पहले ल्यूमन काफ़ी बड़ा था, एयर पास होती थी, अब जो ल्यूमन है बहुत छोटा रह गया है, तो एयर प्रॉपरली पास नहीं होती, सो वी कॉल इट कि वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है। इसके अलावा स्मूथ मसल स्पाजम होते हैं कंट्रैक्शन, यानी खुद ब खुद कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अब ज़रा सा भी एयर में आलूदगी वगैरह आती है वो एलर्जी हो जाती है,
फौरन से हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए, एक तो ये नॉर्मल लंग्स हैं जिसका इतना बड़ा ल्यूमन है, बड़ी आसानी से एयर पास होती है। इसी को कंपेयर करें यहाँ से तो आप देखें कि कितना छोटा ल्यूमन रह गया, एक तो बहुत ज़्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है, उसके अलावा बीच में से इतनी ज़्यादा सिक्रीशंस आ रही हैं तो एयर का पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको सांस नहीं ले आता और आप इस कंडीशन को अस्थमा या एज्मा का नाम देते हैं। इसके अलावा डिजीज़ है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो पल्मोनरी डिजीज़ तो लंग्स की डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी रुकावट, क्रॉनिक मतलब लंबे अरसे तक। तो वही बात एक बार फिर कि ये आपके पास एयरवेज हैं और ये ब्रोंकाई जा रहे हैं तो कहीं इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है ऐसे। तो जब ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो यहाँ से एयर का पास होना मुश्किल, क्योंकि बीच में रुकावट आ गई। इसको आप COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का नाम देते हैं। मसला वही होगा कि एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे, लंग्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, एम्फिजीमा में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉपर एयर फ्लो जो होता है इनटू लंग्स वो इम्पेयर हो जाता है, और सिगरेट स्मोकिंग इसकी एक वजह है, आलूदगी एक वजह है। अच्छा, कुछ लोगों को जेनेटिकली ये बीमारी होती है, जैसे जेनेटिकली लोग एलर्जिक होते हैं। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन एक बड़ी वजह हो सकती है। फिर है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ये सारी चीज़ें एलर्जीज, COPD, कफ वगैरह, ये होते क्यों हैं? तो कोई ना कोई ऐसे मीडिएटर्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं। मीडिएटर क्या होता है? वो केमिकल जिससे काम करवाया जाए। जैसे कि मीडिएटर ये होता है कि मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो इस पेन के ज़रिए दे रहा हूँ, तो पेन एक मीडिएटर है। अब अगर आपके पास लंग्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है या बहुत ज़्यादा जो है सिक्रीशंस हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जो इस जगह पे कोई डिफरेंस ला रहा है, वो जो चीज़ है वो मीडिएटर है। मेन मीडिएटर्स कौन है यहाँ पे? हिस्टामिन एक बहुत मेजर मीडिएटर है, ल्यूकोट्राइन्स केमिकल मीडिएटर्स हैं, इनके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेन मीडिएटर्स हैं। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आपके पास है इओसिनोफिलिक कीमोटेक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस होती है सीवियर काइंड ऑफ एलर्जी, इतनी सीवियर काइंड के ब्लड वेसल्स कम्प्लीटली डायलेट कर जाती हैं, ब्लड ऊपर जाता नहीं है आपकी बॉडी में और ब्रोंकियोल्स इंतहा किस्म की कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। अगर इसको फौरन से मैनेज न किया गया, इसका नतीजा मौत होती है, यानी एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है जिसकी वजह से बंदा मर सकता है। तो एनाफाइलेक्सिस, उसमें इओसिनोफिलिक फैक्टर इन्वॉल्व है, या फिर स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ द एनाफाइलेक्सिस, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो एनाफाइलेक्सिस करवा देते हैं जिसमें सीवियर काइंड ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है और वेजोडायलेटेशन, तो ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। सो ये कुछ वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आपकी ड्रग शुरू हो गई, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि एक तो हिस्टामिन मेन कल्प्रेट है, ल्यूकोट्राइन्स कल्प्रेट्स हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनमें शामिल हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप एक एक को टारगेट करते हैं, जैसे एंटी हिस्टामिन्स हिस्टामिन की वजह से था तो हिस्टामिन को बंद करवा दिया, मास्ट सेल की वजह से था मास्ट सेल को बंद करवा दिया, ल्यूकोट्राइन्स की वजह से कंस्ट्रिक्शन आ रही ल्यूकोट्राइन्स बंद करवा दी, ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्टेड हैं तो ब्रोंको डायलेटर्स दे दिए। अब आपके पास इन तमाम क्लासेस के नाम आएंगे। सबसे पहले एंटी हिस्टामिन्स हैं, ड्रग्स दैट डायरेक्टली कम्पीट विद हिस्टामिन। देखें, जो हिस्टामिन आती है और ये यहाँ पे सिक्रीशंस इंक्रीज कर रही है या वेजोडायलेशन कर रही है, तो कोई ना कोई यहाँ पे रिसेप्टर होता है, हिस्टामिन का रिसेप्टर। हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगी और फिर आगे फंक्शन होगा। अगर आप इस हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो फिर हिस्टामिन अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो आपकी ड्रग्स कहलाएंगी एंटी हिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन के दो तरह के रिसेप्टर हैं, H1 और H2। H2 तो मेनली आपके पास होते हैं GIT में, जो कि एसिड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, HCL, तो वो तो बिल्कुल अलग ड्रग्स हैं, वो GIT में सिर्फ उनका जिक्र आएगा। यहाँ H1 रिसेप्टर्स हैं, H1 रिसेप्टर बाकी जिस्म में मौजूद हैं, ब्रेन के अंदर भी हैं, लंग्स के अंदर हैं और बाकी टिश्यूज के ऊपर हैं। तो एंटीहिस्टामिन जो इस जगह पे जिक्र हो रहा है
वो हम H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, H2 की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन्स हैव मेनी प्रॉपर्टीज, एक तो हिस्टामिन के रिसेप्टर को बंद करते हैं, इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक है, सिडेटिव है। अब ब्रेन में अगर हिस्टामिन का रिसेप्टर और इसको बंद कर दोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है, तो ये सिडेटिव होते हैं। 10-20% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इन्वायरमेंटल एलर्जीज, यानी आपकी पॉपुलेशन में अगर आप 20 करोड़ की आवाम है तो 20% का मतलब 2 करोड़ लोगों को एलर्जीज हैं और उसमें हिस्टामिन इन्वॉल्व है। तो ये ड्रग्स डायरेक्टली हिस्टामिन के रिसेप्टर को बंद कर सकती हैं, तो मतलब कम से कम 2 करोड़ लोगों में तो ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग्स हैं। इसके अलावा हिस्टामिन मीडिएटेड डिसऑर्डर्स, एलर्जिक रिनाइटिस, रिनाइटिस होती है नोज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह रहती है, एनाफाइलेक्सिस मैंने अभी आपको समझाया, सीवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, साथ में वेजोडायलेशन। तो वेजोडायलेशन की वजह से ब्लड आपकी बॉडी में ऊपर नहीं जाएगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपको सांस नहीं आएगा, तो ये डायरेक्टली कंडीशन बनती है शॉक, शॉक में इंसान जा सकते हैं जिसकी वजह से मौत वाकया हो सकती है। एनजियो न्यूरोटिक एडिमा, जैसे मैंने कहा कि हिस्टामिन क्या करता है, जैसे ये आपके पास कैपिलरीज हैं तो इनकी कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, तो यहाँ से फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब फ्लूइड बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, वो एडिमा कॉज करेगा। ड्रग फीवर्स, इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस, जो इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस हैं यानी जिन लोगों में हिस्टामिन ऑलरेडी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा भी इंसेक्ट बाइट करेगा ना बहुत सीवियर काइंड ऑफ रिएक्शन हो जाएगा उन्हें, बाकियों को तो नहीं होता लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको बड़े सीवियर काइंड ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रग फीवर, कुछ लोग जो होते हैं अक्सर ड्रग्स के जो है वो मॉडरेट नहीं कर, ड्रग्स को टॉलरेट नहीं कर पाते तो ड्रग की वजह से उनको रिएक्शंस आ जाते हैं, तो ड्रग फीवर्स हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं H1, तो एंटी हिस्टामिन क्या करते हैं H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, सो दे कम्पीट विद द नेचुरल एंडोजिनस हिस्टामिन। जैसे कि आपके पास ये लंग्स हैं और यहाँ पे हिस्टामिन का रिसेप्टर है, तो ये नॉर्मल हिस्टामिन जब आएगी इसको बंद कर देंगे और ड्रग्स इसको ब्लॉक कर देंगे, तो नॉर्मल हिस्टामिन के साथ कम्पीट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई हिस्टामिन ऑलरेडी अटैच है तो ये उस हिस्टामिन को रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स करने में ये नाकाम होते हैं, लेकिन मजीद आगे कोई रिएक्शन ना आए तो उसको ये प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि करंटली अगर आपके पास कहीं पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई है तो उस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली इन फ्यूचर अगर फिर से कभी हिस्टामिन आएगी तो उसको रोके रखेंगे, यानी बार बार आपको नहीं होगी लेकिन करंट सिचुएशन में हिस्टामिन को रिवर्स नहीं कर सकते, इस बात को ज़रूर समझें आप। सो एक तो GIT का परमिएबिलिटी, सॉरी जो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज्ड है उसको ये डिक्रीज कर देंगे, इसके अलावा जो सिक्रीशंस हैं ब्रोंकियोल के अंदर सिक्रीशन है उसको कम कर देंगे, GIT के अंदर सिक्रीशंस को कम कर देंगे, तो यानी कि ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं हिस्टामिन के उन तमाम रिस्पॉन्सेज को ये बंद कर देता है। सो ये देखें एंटी हिस्टामिन इफेक्ट्स, सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स की जो वेजोडायलेशन है उसको कम कर देगा, फिर जो परमिएबिलिटी उनकी इतनी इंक्रीज्ड है उस परमिएबिलिटी को थोड़ा कम कर देगा ब्लड वेसल्स की, जो सिक्रीशंस हो रही हैं सलाइवरी सिक्रीशंस हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं, लैक्रिमल आंसू वगैरह, ब्रोंकियल सिक्रीशंस, इन तमाम सिक्रीशंस को कम कर देगा। इसके अलावा जितने भी हिस्टामिन के रिस्पॉन्सेज आते हैं उन तमाम रिस्पॉन्सेज को एंटी हिस्टामिन्स बंद करवा देता है कि हिस्टामिन की वजह से कोई रिस्पॉन्स ना आए। इसके साथ साथ देखें रिड्यूस कैपिलरी परमिएबिलिटी, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो परमिएबिलिटी उनकी ज़्यादा है उससे फ्लूइड बाहर आ जाता है, उस परमिएबिलिटी को कम कर देता है। व्हील एंड फ्लेयर फॉर्मेशन, जहाँ पे सूजन वगैरह इन्फ्लेमेशन हो गई है, रेडनेस आ गई है और वहाँ पे हीट आ रही है, उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको ख़त्म कर देता है, सूजन ख़त्म कर देता है। इसके अलावा इचिंग, जहाँ पे इचिंग हो रही हो इचिंग भी ख़त्म हो जाएगी, और साथ में जो है ये नेजल सिक्रीशंस और आइज में लैक्रिमल सिक्रीशंस, स्लाइवरी सिक्रीशंस, ये सारे बंद कर देगा तो ड्राइंग इफेक्ट आएगा। और इसके साथ साथ एंटी हिस्टामिन कॉज ड्राउजीनेस, नींद आना शुरू हो जाती है, इसकी वजह ये है कि H1 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो वहाँ पे भी इसको ब्लॉक कर देता है तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है, तो ये भी इसका एक इफेक्ट है।
इसके अलावा इंडिकेशंस यानी ऐसी कौन कौन से डिजीजेज हैं जहाँ पे आप एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल करते हैं, नेजल एलर्जी, सीजनल या पेरिनियल एलर्जी, सीजनल जो हर मौसम में होती है 6 महीने बाद, पेरिनियल जो साल में एक बार हो, रिनाइटस यानी नोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, एलर्जिक रिएक्शंस, मोशन सिकनेस, पार्किंसंस डिजीज में भी यूज़ होते हैं और स्लीप डिसऑर्डर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे स्लीप डिसऑर्डर की और भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स हैं, सिडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर एंटी हिस्टामिन का मेन एक्शन या मेन उसका इंडिकेशन नहीं है, वो एज अ एक्स्ट्रा इफेक्ट आता है। तो स्लीप डिसऑर्डर में भी एंटी हिस्टामिन ठीक है। टू रिलीव सिम्टम्स एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, जिन लोगों को नज़ला जुकाम खांसी हो जाता है, स्नीजिंग, बार बार छींकें आती हैं, रनी नोज है, पैलिएटिव, पैलिएटिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स ख़त्म करता है, क्योर नहीं है, यानी ये किसी चीज़ को क्योर नहीं करता, बस जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स को ख़त्म करता है, इसको हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। अब कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशंस या एज अ नर्स आप क्या क्या किन चीज़ों को देखते हैं इसमें। एक ज़रूरी चीज़ है वो है एक्यूट एस्मा। देखें वैसे तो एंटी हिस्टामिन बड़ी अच्छी ड्रग है, लेकिन एस्थमेटिक अटैक में, मैंने आपको पहले कहा था कि एस्मा वगैरह में और ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, एस्थमेटिक अटैक या एक्यूट एस्मा में एंटी हिस्टामिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि आपको पता है बहुत ड्राइनेस कर देता है, तो इतनी ड्राइनेस वो कर देता है जिसकी वजह से वो एस्मा में नहीं दी जाती। तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से कि एस्मा में एंटी हिस्टामिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी नहीं देते। इसके अलावा आपको पता है बाकी सिक्रीशंस भी ये बंद कर देता है, तो अगर लोगों को इंट्राऑकुलर प्रेशर है, कार्डियक या रिनल डिजीज हैं, हाइपरटेंशन है, एस्मा है, सीओपीडी है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रेगनेंसी है, तो आप एंटी हिस्टामिन बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं या अपने डॉक्टर वगैरह की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक्सेसिव सिडेशन अगर आपको हो रही है, यानी आप एंटी हिस्टामिन लेते हो बहुत ज़्यादा आपको नींद आती है, तो इसको फ़ौरन से एज अ नर्स आपको रिपोर्ट करना चाहिए। कन्फ्यूजन्स अगर पेशेंट को हो रही है या हाइपोटेंशन अगर हो रही है, तो मे बी एंटी हिस्टामिन की वजह से कोई ड्रग रिएक्शन आया हो, फ़ौरन रिपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ दे आर वेल टॉलरेटेड विद फूड, तो खाने के साथ अगर आप एंटी हिस्टामिन लें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट आपके पास है एंटी टसिव एजेंट्स, तो एंटी हिस्टामिन तो क्लियर हो गए। अब एंटी हिस्टामिन मोस्टली आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं ये एस्मा और सीओपीडी की तरफ, एंटी टसिव्स वो हैं जो कफ में यूज़ होते हैं। आप अगर पहली स्लाइड पे गौर कीजिए, मैंने कहा था कि कफ की मेडिसिन अलग हैं, कंजेस्शन अलग, एस्मा और सीओपीडी अलग। तो अब आपके पास जो ड्रग्स डिस्कस होंगी वो एंटी टसिव ड्रग्स हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कफ के लिए यूज़ होती हैं। और कफ फिर मैंने आपको कहा था कि दो तरह की है, एक होती है ड्राई कफ एंड देर इज़ अ प्रोडक्टिव कफ। तो ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ में क्या फ़र्क है? ड्राई कफ में आता है, यानी ड्राई कफ में कोई स्प्यूटम नहीं आता, प्रोडक्टिव कफ में स्प्यूटम आता है। लिहाजा ड्राई कफ की जो एंटी टसिव्स हैं वो दो तरह की हैं, एक आपके पास होती हैं ओपियोइड्स एंटी टसिव्स, ओपियोइड्स, और एक एंटी टसिव्स होंगी नॉन ओपियोइड्स। ओपियोइड्स कौन से वाली हैं? ओपियोइड्स वो हैं जो डायरेक्टली जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे एक सेंटर होता है जिसको कफ सेंटर कहते हैं, यानी आप जो खांसते हैं उसका एक सेंटर आपके ब्रेन में है, वहाँ से कंट्रोल होता है। ओपियोइड्स वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट ब्रेन में जाके कफ सेंटर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि खांसी आपको ना आए। इसमें से ड्रग्स हैं कोडीन और हाइड्रोकोडोन, और इनमें इंतहा की सिडेशन होती है, बहुत ज़्यादा नींद दिलाते हैं। अगली है नॉन ओपियोइड्स, वो एंटीटसिव्स जो ओपियोइड्स नहीं हैं, ये ब्रेन में नहीं जाते, ये डायरेक्टली जाते हैं आपकी जो ब्रोंकाई होते हैं, जो वहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं उनमें जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, नंबिंग द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, जब आप खांसते हैं तो आपकी जो लंग्स, जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये स्ट्रेच करती हैं, यानी ऐसे खिंच जाती हैं, तो वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये उन रिसेप्टर्स को सप्रेस कर देते हैं। तो जब ये रिसेप्टर्स वगैरह यहाँ पे जो ब्रोंकियोल्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगे, तो ना उनमें स्ट्रेच आएगा और ना आपको खांसी आएगी। तो ये वो ड्रग्स हैं जो ब्रोंकियोल पे काम करते हैं, यानी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम कर रही हैं, जबकि ओपियोइड्स वो हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके आपके कफ सेंटर पे काम करती हैं। तो एंटीटसिव्स दो तरह की, ओपियोइड्स एंड नॉन ओपियोइड्स।
अब जो ड्रग्स हैं जैसे ओपियोइड्स में कोडीन, हाइड्रोकोडीन वगैरह, और एंटीटसिव में ड्रग है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, ये वो ड्रग है जो बेसिकली नॉन ओपियोइड है, मेथॉर्फन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। और ड्रग्स आपके पास जो एंटीटसिव में आती हैं जैसे कि बेंजोनाटेट, इसमें डिजीनेस सरचक्र आ जाता है, हेडेक, सीडेशन, नोजिया एंड अदर्स इफेक्ट आते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन डिजीनेस आती है, ड्राउजीनेस आती है, नोजिया होता है साथ में। इसके अलावा जो और एडवर्स इफेक्ट्स इनके हो सकते हैं वो सारे यही हैं, सीडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस या फिर कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकते हैं। कुछ नर्सिंग इम्प्लीकेशंस अगर किसी को एंटीटसिव ड्रग्स दे रहे हैं तो आप बार बार देख रहे हो कि इन ड्रग्स में कहीं सीडेशन आ रही है, लाइट हेडेडनेस, ड्राउजीनेस वगैरह। तो यानी कि अगर आपने एंटीटसिव्स ली हुई है तो थोड़ा एहतियात करें कि एक तो अगर ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि आप पहले ही आपका सर चकरा रहा होगा, नींद आ रही होगी। हैवी मशीनरी, अगर कोई आप ऐसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं या मैकेनिकल इंडस्ट्री में जहाँ पर हैवी मशीनरी है, ऊपर से आपको नींद आ रही होगी, तो आप हैवी मशीनरी को ऑपरेट ना करें। इसके साथ साथ जो च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं या लोजेंजेस जो हैं, जो डिमेलसेंट्स होते हैं, यानी आपको सिर्फ एक सूथिंग इफेक्ट जो प्रोवाइड करते हैं लोजेंजेस, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह, इनको लोजेंजेस कहते हैं। तो शुड नॉट ड्रिंक लिक्विड्स फॉर 30 to 35 मिनट आफ्टरवर्ड्स फॉर नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो यानी साथ में कोई ड्रिंक्स वगैरह आप ना लें, और अगर आपको कफ होती है और एक वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर गई है, यानी वैसे तो आपको खांसी आती है तो आप डायरेक्ट तो हॉस्पिटल में नहीं जाते, एक हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है और ज़्यादा सीवियर हो रही है, तो फिर आप उसको रिपोर्ट करें। अब आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। एंटीटसिव्स हमारे हो गए जो कि ड्राई कफ के लिए थे, एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो कि प्रोडक्टिव कफ के लिए हैं। सो प्रोडक्टिव कफ में बेसिकली क्या होता है, स्प्यूटम आता है। सो उस स्प्यूटम को ख़त्म करने के लिए वी हैव द ड्रग्स दैट आर नोन एज एक्सपेक्टोरेंट्स। सो स्प्यूटम के साथ साथ हमारे पास म्यूकस होता है, तो आप देखें ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द म्यूकस, यानी एक्सपेक्टोरेशन का मतलब बॉडी से बाहर निकालना, म्यूकस को ये वहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक से ख़त्म कर देता है। बलगम जो होते हैं, आपके भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, बलगम बहुत थिक विस्कोसिटी वाला लिक्विड है, सिक्रीशन है विस्कोसिटी, तो ये एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। जब वो पतला हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, थिन हो जाता है, तो वो खुद ब खुद वहाँ से वॉश आउट हो जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स इस म्यूकस को थिन करते हैं, इसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं ताकि ये वहाँ से वॉश आउट हो। इसके अलावा इनके ड्रग्स इफेक्ट आप देखें, लूजनिंग एंड थिनिंग ऑफ स्प्यूटम, स्प्यूटम को, बलगम को थिन करते हैं, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को कम करते हैं, और जो कफ की टेंडेंसी है, जो आप बार बार आपको खांसी आ रही है, वो इनडायरेक्टली डिमिनिश, कम हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है इंडिकेशंस, यानी कौन से डिजीजेज में एक्सपेक्टोरेंट इस्तेमाल हो रही हैं। पहली बात तो प्रोडक्टिव कफ के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बता दी, प्रोडक्टिव कफ जहाँ पे स्प्यूटम आ रहा है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, कफ कॉज्ड ड्यू टू क्रॉनिक पैरानेजल साइनोसाइटिस, जिनको ये नोज के साथ जो यहाँ पे एयर स्पेसिस होती हैं, साइनोसाइटिस हो गया है, पर्टुसिस हो गया है, इन्फ्लुएंजा या मीजल्स हो गई हैं, मुख्तलिफ मीजल्स वायरल डिजीज है, मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ वगैरह में एक्सपेक्टोरेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ नाजिया, वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक इरीटेशन, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, सो एक्सपेक्टोरेंट शुड बी यूज इन कॉशन इन द एल्डरली और दोज विद एजमा और रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, जिन लोगों को, एक तो जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर उनको एजमा या फिर रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, यानी प्रॉपर उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आपको मोहतात रहना होगा एज अ नर्स ऐसे लोगों को ड्रग्स देने में। इसके साथ साथ पेशेंट जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टोरेंट्स ले रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दिया जाए, अगर परमिट करते हैं, अगर वो फ्लूइड ले सकें, उससे क्या होगा, जो उनकी सिक्रीशंस हैं उसमें फ्लूइड आएगा और वो ज़्यादा उनकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वॉश आउट बड़ी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अगर साथ में कोई फीवर वगैरह भी आ रहा है, तो फीवर की निशानी होती है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए, हो सकता है कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही निकल आए, या नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो जाते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड, फीवर, कफ एंड अदर सिम्टम्स लास्टिंग लॉन्गर देन वीक, तो आप उसको फौरन से रिपोर्ट कीजिएगा।
सो यहाँ तक जो आपकी बात थी वो कफ की थी, जो आपके पास ऑलरेडी डिस्कस हो गए, दो तरह की ड्रग्स एंटीटसिव्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स, तो ये दोनों डिस्कस हो गई हैं, लिहाजा कफ वाला टॉपिक तो पूरा हो गया। फिर आपके पास हैं डीकंजेस्टेंट्स। अब डीकंजेस्टेंट्स क्या करते हैं? डीकंजेस्टेंट्स वो मेडिसन्स हैं जो कंजेस्टन को रिलीफ करती हैं, यानी ख़त्म करती हैं। और कंजेस्टन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो आपके पास नोज है और उसके आसपास जो टिश्यू है, टिश्यू और साथ में जो ब्लड वेसल्स गई हुई हैं, तो वो टिश्यू में भी स्वेलिंग आ जाती है और वो ब्लड वेसल्स में भी स्वेलिंग आ जाती है। तो उसकी वजह से जो आपका एयर वे है, जब साथ साइडों पे सारी स्वेलिंग है तो एयर वे बिल्कुल ही छोटी पड़ गई है, इसको हम कहते हैं कंजेस्टन। तो आपकी ड्रग्स क्या कहेंगी? डी कंजेस्टन, यानी ये उन स्वेलिंग्स को ख़त्म करेगी और एयर वे को ओपन करेगी ताकि आपको सांस प्रॉपरली आ सके। तो एक तो सूजन इसकी एक वजह है, ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो गया है तो उसकी वजह से एयर वे तंग पड़ गया। इसके साथ साथ नेजल विद इन द नेजल पैसेज और आइज दे हैव नो अदर इफेक्ट्स। ये जो डी कंजेस्टेंट होते हैं ना, ये सिर्फ कंजेस्टन को ख़त्म करते हैं, इनका बाकी कोई इफेक्ट नहीं है, कोई टिश्यू पे या कोई कफ को ख़त्म करना, एजमा को ख़त्म करना, ऐसा कोई इफेक्ट इनका नहीं है, ना ये रनी नोज को ख़त्म कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंजेस्टन को ख़त्म करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम डी कंजेस्टेंट्स। अब डी कंजेस्टन आप ओरली भी ले सकते हैं, वो कंजेस्टन को ख़त्म करता है, दैट इज़ अफेक्टिंग द नोज, साइनस इज साइनस जो एयर स्पेस होती है, आईज या स्प्रे, अच्छा इनको आप डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं नोज में या फिर आई ड्रॉप्स में भी आप इनको ले सकते हैं। डीकंजेस्टन कौन कौन से हैं अब इनको समझिए, जैसे मैंने कहा एड्रिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स तो ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ कि एक पूरा इस पर अलग से लेक्चर है, और स्टेरॉइड्स ओवरऑल जनरल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसको ख़त्म करता है, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शंस को ख़त्म कर देता है, हिस्टामिन्स वगैरह के जितने एलर्जिक रिएक्शंस हैं इन तब सब को ख़त्म कर देता है। सो स्टेरॉइड्स पे एक अच्छी खासी हम बहस करेंगे। अभी आप समझिए एड्रिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक, अगर आपने पहले के लेक्चर्स लिए हैं तो एड्रिनर्जिक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, एंटीकोलिनर्जिक पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने वो दोनों लेक्चर सुने होंगे तो अभी आपको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। फर्ज कीजिए ये आपके पास एयरवे है, यानी कि ब्रोंकाई वगैरह रेस्पिरेटरी ट्रैक, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, वी कॉल इट बीटा टू रिसेप्टर। बीटा टू रिसेप्टर आपको याद हो, ये क्या है? ये एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है जो कि रिलैक्सेशन कॉज करवाता है, या वी कैन से ब्रोंको डायलेशन कॉज करवाता है। ऐसी ड्रग जो बीटा टू को स्टिम्यूलेट कर दे, वी विल कॉल इट एड्रिनर्जिक, जो बीटा टू को स्टिमुलेट करे। इस बात को समझिए, बीटा टू स्टिम्यूलेंट है, तो जो बीटा टू को स्टिम्यूलेट करेगी ऐसी ड्रग जैसे सालब्यूटामोल, सालमीटिरोल, टर्ब्यूटालीन, ये सारी की सारी बीटा टू स्टिमुलेंट्स हैं और वी कॉल देम एड्रिनर्जिक, दे आर ब्रोंको डायलेटर्स। फिर समझिए एंटीकोलिनर्जिक्स, फर्ज कीजिए यहाँ पे एक रिसेप्टर है मस्करिनिक का M3 रिसेप्टर, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स आपने लिए हों तो M3 रिसेप्टर मस्करिनिक रिसेप्टर है, यहाँ पे आती है एसिटाइल कोलीन, और एसिटाइल कोलीन का काम क्या है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाना। तो अगर आपके पास ऐसी ड्रग्स हैं जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बंद हो जाएगी और ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी। सो एंटीकोलिनर्जिक्स ऐसी ड्रग्स जो M3 को बंद करवाएं, जैसे कि आपके पास ड्रग है इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ये वो ड्रग्स हैं जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं और ब्रोंको डायलेटर्स हैं। सो डीकंजेस्टेंट जो कि आपके पास ओरल भी हैं यानी एज अ टैबलेट, या इनहेलेशन यानी आप डायरेक्टली नोज के अंदर इनहेल कर सकते हैं या टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं। सो एड्रिनर्जिक जो कि आपके पास हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स, स्पेसिफिकली बीटा टू स्टिम्यूलेंट्स दैट आर सालब्यूटामोल, सालमीटिरोल, टर्ब्यूटालीन। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक्स जो M3 रिसेप्टर को बंद कर दें, जैसे इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो बहुत सारे हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनोसोन, प्रेडनिसोलोन, वो सारी की सारी, वो फिर आप पूरा लेक्चर करेंगे उस पर। सो वो टॉपिकल भी आती हैं और इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स भी अवेलेबल होते हैं।
अच्छा जी, ओरल डिकंजेस्टेंट्स यानी जो ओरली आप ले सकते हैं। सो इनका एक तो प्रोलॉन्ग्ड डिकंजेस्टेंट इफेक्ट, यानी लंबे अरसे तक ये काम करती हैं, और इनका इफेक्ट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू टॉपिकल, लेकिन इनमें एक फ़ायदा है, देर इज़ नो रीबाउंड कंजेस्टन। यानी आप ये ड्रग्स लेंगे ना, और जब इस ड्रग्स को आप एक अरसे तक लें और बाद में छोड़ दें, तो रीबाउंड कंजेस्टन नहीं आती, यानी वो बार बार कंजेस्टन वापस आप पे नहीं आएगी। हाँ, थोड़े से पोटेंसी इनकी कम है, यानी इस इनसे ज़्यादा पोटेंट आपके पास टॉपिकल हैं, लेकिन टॉपिकल में एक बात है कि वहाँ पे रीबाउंड कंजेस्टन आती है, यानी आप टॉपिकल ड्रग्स लेना छोड़ देंगे तो थोड़े अरसे बाद फिर से कंजेस्टन हो सकती है। ओरल के साथ कंजेस्टन नहीं होती, लेकिन रीबाउंड के साथ, टॉपिकल के साथ रीबाउंड कंजेस्टन हो सकती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अलावा जो आपके पास हैं एड्रिनर्जिक में फिनाइल एफरीन, और इंट्रानेजल जो स्टीरोइड्स हैं उसमें है नेजालाइड या फ्लोनेज, ये ड्रग्स हैं बेसिकली जो डीकंजेस्टेंट हैं। फिर आप देखें एड्रिनर्जिक्स, जो कि मैं आपको पहले भी इनका मैकेनिज्म ऑलरेडी अभी समझा चुका हूँ कि ये बेसिकली क्या करती हैं। सो कहते हैं कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं इनको कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, तो जो अगर ब्लड वेसल्स डायलेटेड हैं तो उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, पतला कर देगा। यहाँ पे अल्फा वन रिसेप्टर होता है, सो अल्फा वन रिसेप्टर्स के थ्रू ये उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड वेसल को, और एयर वे क्लियर आउट हो जाएगा। इसका एक नुकसान है कि ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आ सकता है, तो ये बात याद रखिए कि जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे कर रहे हैं वो ब्लड वेसल्स को तो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। इसके साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, एज अ रिजल्ट टिश्यू क्या करेगा, आप जब कंस्ट्रिक्शन वाले यूज़ कर रहे हो तो टिश्यू श्रिंक कर जाएगा, नेजल सिक्रीशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी, म्यूकस की जो स्वेलिंग है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, और वहाँ पे कोई सिक्रीशंस हुई है तो वो ड्रेन आउट हो जाएंगी, ठीक है। और जो नेजल स्टफ हो चुके, जो नॉस्ट्रल्स बंद हो गए, वो स्टफिनेस भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कहते हैं जो नेजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं उनके क्या ड्रग इफेक्ट्स हैं, क्या कहते हैं, श्रिंक engorged nasal mucus membranes and relieves nasal stuffiness। आप पहले श्रिंक का छोड़ें, श्रिंक का मतलब छोटा करना, engorged मतलब बड़ा, तो ये जो nasal mucus membranes हैं, जो mucus membranes इतनी बड़ी हो गई हैं, तो ये जो अगर आप फर्ज कीजिए कि ये nasal mucus membrane और ये बड़ी हो गई है, तो इसको श्रिंक कर देगा, छोटा कर देगा, और stuffiness को जो आपके पास वहाँ पे airway बंद है उसको खोल देगा, तो नेजल स्टफनेस बंद हो जाएगी और जो एंगॉर्जमेंट है मेम्ब्रेन्स की वो भी कम हो जाएगी। फिर है नेजल डिकंजेस्टन के इंडिकेशंस, कौन कौन से डिजीज में इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले रिलीफ ऑफ नेजल कंजेस्टन एसोसिएटेड विद एक्यूट एंड क्रॉनिक रिनाइटिस, जिन लोगों को क्रॉनिक रिनाइटिस है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, उन लोगों में एक तो यूज़ हो सकता है। कॉमन कोल्ड, नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह, साइनोसाइटिस हो जाए, हे फीवर एलर्जीज होती हैं या कुछ और किस्म की एलर्जी, उनमें ये ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती हैं क्योंकि वो कंजेस्टन कर देता है। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, एक तो देखें मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा वन की वजह से वो ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर जा सकता है, पेल्पिटेशंस हो सकती हैं, नर्वसनेस, इनसोमनिया, ट्रेमर्स भी इवन हो सकते हैं, लोकल म्यूकोजल ड्राइनेस, जाहिर सी बात है आप कम कर रहे हैं म्यूकस वगैरह को तो ड्राइनेस हो जाएगी, और इवन इरीटेशन भी हो सकती है। नाउ नर्सिंग इम्प्लीकेशन, एज अ नर्स आप क्या क्या देख सकते हैं। सो ये जो डीकंजेस्टेंट्स होते हैं ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि वो अल्फा वन रिसेप्टर की वजह से जो है ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लेकिन जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेल्पिटेशन हो सकती हैं, सी एन एस स्टिम्यूलेशन। सो अगर किसी बंदे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप इन डिकंजेस्टेंट से गुरेज करेंगे, आप फिर नहीं देंगे। इसके अलावा पेशेंट्स अगर ले रहे हैं डिकंजेस्टेंट ले रहे हैं तो कैफीन वगैरह का साथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कैफीन और ये डिकंजेस्टेंट ये एक दूसरे के इफेक्ट को इनक्रीज कर सकते हैं, तो आप इन दोनों को थोड़ा फासले पे रखेंगे। यानी अगर जिस टाइम आप कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं और डिकंजेस्टेंट ले रहे हैं तो दोनों को थोड़ा बीच में गैप रखेंगे दोनों के। उसके बाद आपके पास है ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखिए वही बातें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं कि ये आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कैसे कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में
दो तरह के आपके पास मॉलिक्यूल्स या आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। और नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर क्या है, यहाँ पे उनका एक रिसेप्टर होता है, वी कॉल इट बीटा टू रिसेप्टर। तो ये क्या करते हैं, एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन आते हैं और इस बीटा टू रिसेप्टर को स्टिम्युलेट कर देते हैं। स्पेसिफिकली आई वुड टॉक अबाउट एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन का बीटा टू पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, एपिनेफ्रीन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है बीटा टू के ऊपर। तो इस तरह के से अगर आप बीटा टू को स्टिमुलेट करोगे, इट विल कॉज ब्रोंको डायलेशन, तो ब्रोंक्यूल्स डायलेट करेंगे, आपको प्रॉपर सांस आएगा। लिहाजा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है आपकी ब्रोंक्यूल्स को। कहते हैं कि ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स दे आर रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का मतलब डायलेटेड बाय द बीटा टू रिसेप्टर। मैंने आपको बताया एपिनेफ्रीन के थ्रू बीटा टू रिसेप्टर से ब्रोंको डायलेशन हो रही है। ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय कोलिनर्जिक स्टिम्यूलेशन। कोलिनर्जिक यानी कि एसिटाइल कोलीन, जो कि बिल्कुल इनके ऑपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एसिटाइल कोलीन के जरिए M3 रिसेप्टर के थ्रू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था बाय एसिटाइल कोलीन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंको डायलेशन करवाता है बाय एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। तो इस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंट्रोल करता है। एक और चीज यहाँ पे जरूरी है कि ड्रग्स दैट इंक्रीज द इंट्रासेल्युलर लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम थियोफाइलीन की स्पेसिफिक ड्रग पढ़ेंगे, बहुत ही यूजफुल ड्रग होती है आपके पास रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी में थियोफाइलीन। उसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जो साइक्लिक एएमपी को फॉलो करता है। याद रखें जब साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है ना स्मूथ मसल्स में, जब साइक्लिक एएमपी बढ़ता है तो स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाता है, तो ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल्स हैं वो भी रिलैक्स करेंगे विच विल कॉज ब्रोंको डायलेशन। और अब स्पेसिफिक ड्रग जो कि साइक्लिक एएमपी को बढ़ाती है, वी कॉल इट थियोफाइलीन, वेरी यूजफुल ड्रग, बाद में बात करेंगे इस पे। नाउ वी हैव अदर ड्रग्स दैट आर एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। सो यहां तक आपकी दो चीजें कंप्लीट हो गई, एक मैंने बात की थी कफ की और दूसरी मैंने बात की आपके पास कंजेस्टन की। सो कफ और कंजेस्टन दोनों की बातें क्लियर आउट हो गई। कफ में थी एंटीटसिव्स और इसके साथ साथ एक्सपेक्टोरेंट्स। कंजेस्टन में आपके पास ड्रग्स आपने देखी डी कंजेस्टेंट्स, और डी कंजेस्टेंट में फिर आपने ड्रग्स देखी जैसे कि एड्रिनर्जिक भी आई, एंटी कोलिनर्जिक्स भी आई, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स भी आ गई। तो ये सारी की सारी डी कंजेस्टेंट्स थी। अब इन दोनों से निकल के हम बात करेंगे एस्थमा पे, यानी एस्थमा की कंडीशन में कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ब्रोंको डायलेटर्स। अभी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि बीटा टू रिसेप्टर का जो स्टिमुलेंट है वो ब्रोंको डायलेशन कॉज करवाता है। सालब्यूटामोल, सालमिटिन, फॉर्मोटिरोल, टर्ब्यूटालीन, ये सारी ड्रग्स बीटा टू स्टिम्युलेंट है, ब्रोंको डायलेशन करवाएंगी। तो इनके अलावा नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स भी आ सकती हैं, यानी कि जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि एपिनेफ्रीन, एफिड्रीन, आइसोप्रेनालीन, ये भी आ सकती हैं ड्रग्स, दे आर ऑल्सो ब्रोंकोडायलेटर्स। एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स वो जो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं लाइक इपराट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, ये भी ब्रोंकोडायलेटर हैं। M3 का नॉर्मल फंक्शन क्या था, M3 नॉर्मली क्या करता है, बेसिकली M3 क्या करता है कि M3 ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है। सो ये ड्रग्स M3 को ब्लॉक करती हैं और कॉज करवाती हैं ब्रोंको डायलेशन। फिर आपके पास है मिथाइल ज़ेंथीन्स। मिथाइल ज़ेंथीन में जो मैं बार बार बात कर रहा था ड्रग की थियोफाइलीन, बहुत ही यूजफुल ड्रग होती है और मैं आपको इस पर MCQ भी बन सकते हैं क्योंकि थियोफाइलीन के मुख्तलिफ मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन करवाता है। एक तो मैंने बात की साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज कर देता है, तो कैसे इंक्रीज करते हैं उसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। सो थियोफाइलीन, अमाइनोफाइलीन, डाइप्रोफाइलीन, ये सारी ड्रग्स डिस्कस होंगी जो कि ब्रोंको डायलेटर्स हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे तो पूरा का पूरा लेक्चर हमारे पास है, जैसे प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, बेक्लोमेथासोन, फ्लुनिसोलाइड, ये सारी ड्रग्स डिस्कस होंगी। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करें जब मैंने कहा था कि मास्ट सेल्स होते हैं जिसकी वजह से हिस्टामीन
और ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, तो मास्ट सेल को डायरेक्टली भी बंद कर किया जा सकता है. सो वी कॉल देम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स. जैसे कि ड्रग्स हैं नेडोक्रोमिल, कीटोटिफेन, क्रोमाइलिन, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं. फिर एंटी हिस्टामिन तो ऑलरेडी हमने पढ़ ली कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देना, देवर एंटी हिस्टामिन्स. इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन को बंद करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है. आप ल्यूकोट्राइन बंद कर दें तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, विच विल कॉज ब्रोंको डायलेशन. सो वी हैव ड्रग्स लाइक जफिर लुकास्ट एंड मोंटी लुकास्ट. ये क्या ड्रग्स हैं? ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स. इसके साथ एक और ड्रग भी आती है, यहाँ पे लाइपो ऑक्सीजिनेज 5 एक इंजाइम है, उस इंजाइम को बंद कर दें तो ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन ही नहीं होती. सो एक और ड्रग भी यहाँ पे है जो लाइपो ऑक्सीजिनेज 5 है, उसको कहते हैं जाइलूटन, जो कि आगे हम फिर पढ़ेंगे. जाइलूटन यहाँ पे यूज होती है. लास्ट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी वो एंटीबॉडीज जैसे कि ओमालिजुमाब, ये भी इस्तेमाल होती है. सो पहले स्टार्ट ली जाए ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स से, जो ऑलरेडी हम पहले कुछ ड्रग्स डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉरएड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रीन या फिर एसिटाइल कोलीन, इनकी वजह से जो है या तो ब्रोंकियोल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं. एसिटाइल कोलीन की वजह से क्या होती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. रिसेप्टर कौन सा है? M3. नॉरएड्रेनालिन या एपिनेफ्रीन, इनकी वजह से होती है ब्रोंको डायलेशन. रिसेप्टर है बीटा 2. बीटा 2 क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन. तो ऐसी ड्रग्स जो ब्रोंको डायलेटर्स हैं, M3 ब्लॉकर्स जैसे कि इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, और बीटा 2 स्टिम्यूलेंट्स जैसे कि सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, सो वो ब्रोंको डायलेशन करवाएंगी. अच्छा, ये तो सिंपैथोमिमेटिक्स हो गई और एंटीकोलिनर्जिक्स. अब मैं बात करूंगा थियोफाइलिन की. वेरी यूजफुल ड्रग थियोफाइलिन क्या करती है? देखिए, फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक ब्रोंकियोल का सेल है. ब्रोंकियोल के सेल में यहाँ पे एक छोटा सा इंजाइम होता है, उस इंजाइम का नाम है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज. ठीक है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को थियोफाइलिन इनहिबिट कर देता है. जब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बंद हो जाता है तो साइक्लिक AMP के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं. क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? बिकॉज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज वो इंजाइम होता है जो साइक्लिक AMP को तोड़ता है. अब आपने फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को ही बंद कर दिया तो साइक्लिक AMP टूटेगा नहीं. जब वो टूटेगा नहीं तो उसके लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो जब साइक्लिक AMP के लेवल इंक्रीज होते हैं तो स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन पैदा हो जाती है, तो इस तरह से ब्रोंकियोल्स रिलैक्स कर जाएंगे. तो ये मैकेनिज्म होता है थियोफाइलिन का, एक मैकेनिज्म. मैंने कहा इसके एक से ज़्यादा मैकेनिज्म्स हैं. दूसरा मैकेनिज्म इसका होता है एडिनोसिन रिसेप्टर्स, एडिनोसिन A2B रिसेप्टर. एडिनोसिन रिसेप्टर के थ्रू डायरेक्टली ये ब्रोंकोडायलेशन कॉज करवा देता है. इसके अलावा पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, वो मैंने आपको यहाँ M3 में बता दी, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम. सो ये अब आपके पास एक पिक्चर है मिथाइल ज़ेंथिन्स की, जिसमें मैंने ड्रग्स डिस्कस की थियोफाइलिन. अब ये एक पिक्चर है जहाँ पे आपको बेसिकली सारी ड्रग्स बताई जा रही हैं. एक तो आपके पास इफेक्ट है ब्रोंको डायलेशन का, ठीक है. तो ब्रोंको डायलेशन फर्ज कीजिए ये आपके पास ब्रोंकियोल्स हैं. अब आप देखें एसिटाइल कोलीन क्या कर रही है. एसिटाइल कोलीन आके ब्रोंकियल टोन को इनक्रीज करवा रही है. तो ऐसी ड्रग्स जो एसिटाइल कोलीन को बंद कर दें उसको हम नाम देंगे एंटी मस्करिनिक्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या एंटी कोलिनर्जिक्स. ये सारे नाम एक ही ड्रग के हैं. मस्करिनिक एंटागोनिस, देखें माइनस का साइन आ रहा है तो मतलब उसको ब्लॉक कर रहा है. सो इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम. अब यहाँ पे देखें ये आपके पास ड्रग है थियोफाइलिन. थियोफाइलिन क्या करती है? थियोफाइलिन एक तो ये देख सकते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, इस ये इंजाइम लिखा हुआ है PDE, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को बंद कर रहा है. इसकी वजह से साइक्लिक AMP के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे और जब ये इंक्रीज होंगे उसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन कॉज होगी. इसके अलावा आप याद देखें एडिनोसिन. एडिनोसिन क्या? एडिनोसिन का रिसेप्टर होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है. थियोफाइलिन एडिनोसिन के रिसेप्टर को क्या करती है? ये होती है एडिनो A2B रिसेप्टर.
एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बंद हो गई, लिहाजा ब्रोंको डायलेशन कॉज हो जाएगी। सो ये डायग्राम में मुख्तलिफ तरीके से बताया गया आपको कि ब्रोंकियल टोन किस तरह से इंक्रीज हो, टोन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्रोंकियल टोन को कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और आपकी ड्रग्स उस टोन को कम करके ब्रोंकोडायलेशन कॉज करवा देती हैं। सो ये थियोफाइलिन का मैकेनिज्म याद रखिए, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पे थ्योरी देख लें, इट इंक्रीजेस द साइक्लिक एएमपी लेवल्स, सीएएमपी बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की इनहिबिशन की वजह से। सो इनहिबिशन ऑफ द केमिकल मीडिएटर रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स, सो जब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज बंद हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा, तो मास्ट सेल रिलैक्स कर जाएगा और ना ही कोई हिस्टामिन रिलीज होगी, ना कोई ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे। सो इस तरह से ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देगा। फिर थियोफाइलिन इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन COPD, थियोफाइलिन डिक्रीजेस द सिक्रीशंस ऑफ द सिक्रीशंस एंड स्टिम्युलेट्स रेस्पिरेशन, तो जो सिक्रीशंस आती हैं वो बंद हो जाती हैं क्योंकि सेल्स रिलैक्स कर जाएंगे, कुछ सिक्रीट होगा नहीं, तो थियोफाइलिन इस तरह से काम करती है। ओवरडोजेज प्रोड्यूसेस कार्डियक एंड CNS स्टिम्युलेशन एंड मे कॉज सीजर, तो ओवरडोजेज इसकी नुकसानदेह हो सकती है, CNS को स्टिम्युलेट कर सकती है, कार्डियक स्टिम्युलेशन कर सकती है, तो ओवरडोजेज सीजर्स भी कॉज कर सकती है। फिर आपके पास है बीटा एड्रिनर्जिक ड्रग्स विच आर ब्रोंकोडायलेटर्स, सबसे पहले तो यहाँ पे एपिनेफ्रीन है, आइसोप्रोटेरेनॉल है, ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को स्टिम्युलेट करते हैं। फिर सिर्फ बीटा 2 को स्टिम्युलेट करने वाली ड्रग्स एलब्यूटीरोल, एलब्यूटीरोल का दूसरा नाम है सालब्यूटामोल, दोनों एक ही ड्रग्स हैं, टर्ब्यूटालीन, सालमिटीरोल, फॉर्मोटीरोल, ये सारी क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीटा 2 स्टिम्युलेंट है, डायरेक्टली ब्रोंकोडायलेशन करवाएंगी। इसके अलावा बीटा 2 ड्रग्स आर प्रेफर्ड ओवर द कंट्रोल ऑफ एस्मा, तो एस्मा में बीटा 2 ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, और सालब्यूटामोल और सालमिटीरोल, इनमें ज़्यादा सालमिटीरोल लॉन्गर एक्टिंग है, तो सालब्यूटामोल के अगर 6 घंटे के इफेक्ट हैं, सालमिटीरोल के 12 घंटे के इफेक्ट हैं। अच्छा, एपिनेफ्रीन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एस्मा, एक्यूट एस्मा किसी को हो गया, अचानक से बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, तो एपिनेफ्रीन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, बिकॉज एपिनेफ्रीन डायरेक्टली बीटा 2 स्टिम्युलेशन कॉज करती है। वी हैव एंटी कोलिनर्जिक्स ऑल्सो, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि इस तरह से ब्रोंकियोल के ऊपर एक छोटा सा रिसेप्टर है M3 का नॉर्मल काम है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाना, तो एंटी कोलिनर्जिक्स जैसे इप्राट्रोपियम ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो मतलब कि ब्रोंकियोल्स डायलेट कर जाएंगे, ब्रोंको डायलेशन कॉज होगी, और ये आप ओरल भी दे सकते हैं और इनहेलेशनल भी दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। बेसिकली क्या होते हैं कि ये स्टेरॉइड्स हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको आप एड्रिनल ग्लैंड यानी एडजेसेंट टू द किडनी, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि आपके पास है एल्डोस्टेरोन, इसके अलावा यहाँ से आता है कॉर्टिसोल, और इसके अलावा यहाँ से आते हैं एंड्रोजन्स। सो बेसिकली ये जो हार्मोन्स हैं हम इनको नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं और एलर्जिक कंडीशंस में यूज़ होते हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर एक पूरा अलग से लेक्चर है जिसमें हम इनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आप देखें तो एक्यूट एस्थमेटिक और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप अगर देखा जाए तो ओरल इन्हेलेशन भी, ओरली भी आप ले सकते हैं, इन्हेलेशनल भी आप इनको ले सकते हैं, क्रॉनिक एस्थमा में ये यूज़ होते हैं और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में इनका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो है जो आप इन्हेल करते हैं उसका एक बेनिफिट है कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ये नहीं करवाएगा, यानी जो ड्रग्स आप इंजेक्टेबल हैं या ओरल हैं क्योंकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं तो उसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के चांसेस हैं। अगर आप इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं होगी क्योंकि वो फिर ब्लड में जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट इन्हेल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, वी कॉल देम ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स। आप जानते हैं कि जो आपके पास मास्ट सेल्स हैं तो मास्ट सेल से रिलीज होते हैं हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्राइन्स।
और ल्यूकोट्राइन्स डायरेक्टली करते थे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो एक तरीका आपके पास हो सकता है कि ल्यूकोट्राइन्स को आप इनहिबिट कर दें ताकि ल्यूकोट्राइन अपने रिसेप्टर के साथ अटैच ना हो और ना ही वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकें। तो हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे ज़फिरलुकास्ट और मोंटिलुकास्ट। ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, ज़फिरलुकास्ट एल होता है। सो ज़फिरलुकास्ट और मोंटिलुकास्ट ये वो ड्रग्स हैं जो ल्यूकोट्राइन्स के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से नहीं मिलेगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। इसके अलावा एक ड्रग है ज़ाइलुटोन। ज़ाइलुटोन क्या करती है कि ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन को ही बंद कर देती है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है LOX5, लाइपो ऑक्सीजनेज 5। ज़ाइलुटोन क्या करती है, लाइपो ऑक्सीजनेज 5 को ही ब्लॉक कर देती है, लिहाजा ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन ही बंद हो जाती है। तो वो भी इस तरह से ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर है। सो ये जो ड्रग्स हैं ज़फिरलुकास्ट, मोंटिलुकास्ट, ज़ाइलुटोन, ये क्रॉनिक ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं एस्थमा के, यानी जो एस्थमा, क्रॉनिक एस्थमा जिनको है तो उसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। और फिर है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी मास्ट सेल्स को जहाँ से हिस्टामिन आती है या ल्यूकोट्राइन्स आते हैं आप डायरेक्टली मास्ट सेल को ही स्टेबलाइज कर दें यानी इनहिबिट कर दें ताकि ये एलर्जिक मीडिएटर्स रिलीज ना कर सकें। सो हमारे पास ड्रग्स हैं क्रोमोलिन और नेटोक्रोमिल, ये डायरेक्टली मास्ट सेल के ऊपर जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं उनको बंद करवा देते हैं। लिहाजा जब मास्ट सेल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो मास्ट सेल हिस्टामिन या ल्यूकोट्राइन्स को रिलीज नहीं करेगा। इस वजह से इन ड्रग्स को हम कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, या इनको कॉमनली एंटी एलर्जिक भी कह सकते हैं। सो देखा जाए तो ये ओरल भी हैं और इनहेलेशनल भी इस्तेमाल होती हैं। ड्रग्स आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस एंड आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट और डिक्रीज एलर्जिक रिएक्शंस। तो एलर्जिक रिएक्शंस को ये बंद करवा देते हैं और सेवरल वीक्स चाहिए होते हैं फुल थेरापिटिक इफेक्ट के लिए, यानी एक दिन में ये रिएक्शन नहीं देंगे, एक पूरा क्रोर्स करना पड़ेगा और हफ्तों के अंदर फिर इसके इफेक्ट्स आते हैं। इसके बाद है म्यूकोलिटिक्स। म्यूकोलिटिक्स यानी जो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हुई होती है, बहुत थिक सी म्यूकस होती है, बलगम होता है, उस म्यूकस को थिन कर देना, इतना पतला कर देना कि वो म्यूकस ख़त्म हो जाए और बॉडी से बाहर आ जाए। सो म्यूकोलिटिक्स वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली म्यूकस को थिन करती हैं, उसको ब्रेक करती हैं और लिक्विफाई कर देती हैं कि वो लिक्विड बन जाए और रिमूव हो जाए। सो हमारे पास एक ड्रग है एसिटाइल सिस्टीन, ये म्यूकोलेटर, आपने ड्रग देखी होगी, म्यूकोलेटर एक ब्रांड है इसका, एसिटाइल सिस्टीन बहुत ही यूजफुल म्यूकोलिटिक है। इसको आप नेबुलाइजेशन से भी ले सकते हैं, यानी डायरेक्टली नॉस्ट्रिल के थ्रू ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप पोस्चुरल ड्रेनेज या ट्रेकियल सक्शन कर सकते हैं। पोस्चुरल ड्रेनेज यानी पोस्चर, बॉडी का इस तरह पोस्चर बना देते हैं कि किसी को उल्टा लेटा देना या गर्दन झुका देना कि वो पोस्चुरल ड्रेनेज हो जाए, यानी खुद ही नॉस्ट्रिल के थ्रू म्यूकस ड्रेन हो जाए, या ट्रेकिया के थ्रू सक्शन कर ली जाए और वहाँ से म्यूकस को रिमूव कर दिया जाए। अच्छा, कुछ ड्रग्स जो एंटीहिस्टामिन्स हैं ऑलरेडी पहले भी हमने डिस्कस की हैं, एंटीहिस्टामिन लाइक क्लोरफेनड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, फेक्सोफेनाडीन, डेस्लोराटिडीन। हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है, वेजोडायलिटेशन करवाता है। तो हिस्टामिन को अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो एलर्जिक रिएक्शंस भी बंद हो जाएंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कंजेस्शन भी नहीं होगी। सो ये सारे ड्रग्स हैं जो हिस्टामिन के इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं। और एंटी एलर्जिक्स जैसे क्रोमोलिन जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, यानी जहाँ से हिस्टामिन रिलीज होती है मास्ट सेल, तो मास्ट सेल को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो एंटी हिस्टामिन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हिस्टामिन का रिसेप्टर जो होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, H1 की बात हम कर रहे हैं, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन के कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और भी कुछ रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसमें ये यूज़फुल हैं, रेडनेस हो जाए, एडिमा हो जाए, इचिंग हो जाए, उसको भी ये ख़त्म कर देते हैं, एलर्जी और हेडेक को ख़त्म करते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो ब्रोंकोडायलेशन के थ्रू ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को भी ख़त्म कर देते हैं।
और इसके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, एक तो ये एंटी हिस्टामीन्स हैं, यानी हिस्टामीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, साथ साथ ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी देते हैं, यानी एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देते हैं, स्पेसिफिकली जो M3 रिसेप्टर है स्मूथ मसल्स के यानी ब्रोंकियोल्स के ऊपर, तो उसको भी ब्लॉक कर देंगे, लिहाजा ब्रोंको डायलेशन का इफेक्ट भी देते हैं। अब अगर आप देखें सो इनकी इंडिकेशन यानी कौन सी कंडीशंस में यूज़ करते हैं, सो सीजनल एलर्जी जिनको हो, रिनाइटिस हो, कोल्ड या फ्लू, नज़ला ज़ुकाम हो, इसके अलावा अर्टिकेरिया यानी जिल्द के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, एलर्जिक रिएक्शन, हे फीवर जिनको एलर्जी होती है, इंसेक्ट बाइट्स वहाँ पे भी स्वेलिंग आ जाती है, रिनाइटिस और डर्माटाइटिस में भी यूज़ होती हैं। इसके साथ साथ एनेस्थीजिया में, प्री और पोस्ट एनेस्थीजिया में भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा सीडेशन कॉज करती हैं, इरिटेशन को कम करती हैं, साथ में खांसी जुकाम में दे सकते हैं, सीडेशन करवाती हैं और सिक्रीशंस को ड्राई कर देता है, यानी सिक्रीशंस को बंद करवाता है। सो नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं जब आप एंटी हिस्टामीन यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको पता हो एक्यूट एस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक्यूट केसेस में आप नहीं देते, लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेज होंगी तो नहीं देंगे, जैसे निमोनिया वगैरह है तो एंटी हिस्टामीन फ़ायदेमंद नहीं होंगी। इसके अलावा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, क्योंकि ये एसिटाइल के रिसेप्टर को भी साथ में ब्लॉक कर रहा है, तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर में भी आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ता है ड्यूरिंग एंटी हिस्टामीन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ पेशेंट। कार्डियक डिजीज़ है या रिनल डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, एज्मा या COPD, पेप्टिक अल्सर वगैरह, BPH बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रेगनेंसी, इस दौरान बड़ा मोहतात रहना पड़ता है एंटी हिस्टामीन को यूज़ करने में। और अगर एक्सेसिव सिडेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कन्फ्यूजन या हाइपोटेंशन हो रही है, फ़ौरन से इसकी रिपोर्ट्स इफ़ेक्ट को आप रिपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा एंटी एलर्जिक्स, जैसे आपने देखा मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो कि क्रोमोलिन है, सो एंटी एलर्जिक्स क्या करती हैं, वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामीन जो है उसको ब्लॉक कर देती हैं बाय मास्ट सेल्स, यानी मास्ट सेल को ब्लॉक कर देंगे तो हिस्टामीन की रिलीज बंद हो जाएगी। सो क्रोमोलिन आपने देखी कि क्रोमोलिन ड्रग है बेसिकली मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसके अलावा एंटी एलर्जिक्स का और कोई इफेक्ट हिस्टामीन पे डायरेक्टली नहीं होता, मास्ट सेल के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। अच्छा, क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है, सीवियर ब्रोंकियल एजमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म, एलर्जिक रिनाइटिस और मैस्टोसिस्टोसिस, इस इन पूरे इंडिकेशंस हैं उसकी, यानी ऐसी कंडीशंस में आप एंटी एलर्जिक यूज़ करते हैं। सो ब्रोंकियल एजमा तो आपको पता है एस्थमा हो जाता है, इस तरह ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और ब्रोंकोस्पाज्म भी सिमिलरली स्पाज्म हो जाना, ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन, एलर्जिक रिनाइटिस नॉस्ट्रिल्स वगैरह पे इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मास्टोसिस्टोसिस मास्ट सेल्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हो। और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, यानी अगर लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन या इंट्राकुलर प्रेशर होता है, यूरिनरी रिटेंशन, स्टिनोसिंग, पेप्टिक अल्सर, इसके अलावा सेंसिटिविटी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी है, या CNS डिप्रेशन है, ऐसी कंडीशंस में फिर या तो बड़े मोहतात रहना पड़ते हैं या फिर बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं हिस्टामीन्स, क्योंकि इनका सिर्फ एंटी हिस्टामीन तो इफेक्ट नहीं है, साथ साथ एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, यानी एंटी कोलिनर्जिक्स भी हैं। तो ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आप देख रहे हैं दीज आर बिकॉज ऑफ द एसिटाइल कोलिन ब्लॉकेज। इसके साथ साथ एल्डरली पेशेंट्स में जब आप देते हैं तो बड़ा मोहतात रहना पड़ता है साथ में। और ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं, क्योंकि ये सिडेशन कॉज करती हैं, तो अगर आप CNS डिप्रेसेंट्स देते हो साथ में एंटी हिस्टामीन दे रहे हो तो बड़ा मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शन आती है तो सिडेशन का इफेक्ट बहुत बढ़ सकता है। जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं या अल्कोहल वगैरह की कंजम्पशन, इसके साथ एंटी हिस्टामीन के बड़े सीरियस इंटरेक्शंस आते हैं, लिहाजा दो ड्रग्स के बीच में गैप रखें, एक साथ ना दें। और अगर आप एंटीबायोटिक्स का साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और ट्रोलिंडोमाइसिन, तो आपने भी इस दौरान भी क्या करनी पड़ती है, एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी इंटरेक्शंस रखती हैं। एंटीफंगल ड्रग्स के साथ भी एंटी हिस्टामीन एक साथ नहीं देते, दोनों के बीच में गैप रखते हैं।
इसके अलावा COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसको ट्रीट करने के लिए ब्रोंको डायलेटर्स हैं, यानी ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देते हैं ताकि प्रॉपर सांस आए, साथ में एंटी कोलिनर्जिक्स लाइक इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम भी देते हैं, बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट सालब्यूटामोल, सालमिटिरोल वगैरह देते हैं। जैसे सालमिटिरोल लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है, तकरीबन 12 घंटों तक इसका इफेक्ट आता है। इसके अलावा और भी इसकी ड्रग्स हैं जैसे टायोट्रोपियम, सो टायोट्रोपियम भी हमारे पास ड्रग है और उसकी डोज भी कम देनी पड़ती है और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आते हैं, यानी ब्रोंको डायलेशन लंबे अरसे तक हो जाती है। सो ये जो है COPD में ज़्यादा बेहतर साबित होती हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं जैसे बेक्लोमेथासोन, वो भी यूज़ होती हैं COPD में। इसके उसका जो फिर प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो फिर हम अलग से जब इसका चैप्टर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। थियोफाइलिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत यूज़फुल ब्रोंको डायलेटर है, मुख्तलिफ मैकेनिज्म से इसके इफेक्ट्स आते हैं। फिलहाल तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर है, सो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 को इनहिबिट करेंगे, साइक्लिक AMP के लेवल्स इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है। और म्यूकोलिटिक एजेंट्स जैसे एसिटाइल सिस्टीन है, बहुत यूज़फुल ड्रग होती है COPD में। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहें, सो ये रेफरेंस बुक्स हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं। सो ये आपका पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पार्ट 2 में आप बेसिकली स्टडी करेंगे anti-TB ड्रग्स और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स।